topic, PPT topic, presentation topic is ecosystem, food web and food chain. First, dekhte hain what is ecosystem. Ecosystem, all the living and non-living things in an area होते हैं और इसमें ये दो भागों में विभाजित होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर्स एंड सेकेंड एबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट, एनिमल्स एंड ये सब इकोसिस्टम में आते हैं और बायोटिक फैक्टर्स में भी होते हैं. एबायोटिक फैक्टर्स में नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं जो इन्वायरमेंट, सॉयल, एलिमेंट जो रहते हैं, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स. अब हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं और इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं. जैसे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स होते हैं. कंज्यूमर्स फोर्थ टाइप के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्टियरी कंज्यूमर्स एंड क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स और लास्ट टाइप होता है डिकम्पोजर्स. अब हम देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे मतलब ये एक पिक्चर है एबायोटिक कंपोनेंट्स डिफाइन करने का. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, दो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स जो दे आर एबल टू यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे प्लांट्स हुए, ये सब प्रोड्यूसर्स में आते हैं. और हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स कितने प्रकार के होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर होते हैं. हर्बीवोर वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो हर्बीवोर होते हैं. एंड कार्निवोर वो होते हैं जो मीट खाते हैं, वो कार्निवोर्स के उसमें आते हैं. एंड ओमनीवोर जो मीट एंड प्लांट्स दोनों खाते हैं, वो ओमनीवोर. अब हम देखते हैं कि इसके डिफिनेशन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की. जो मैंने पहले बता दिया था, प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं एंड कंज्यूमर्स वो होते हैं जो उनको खाते हैं और एनर्जी करते हैं. दिस इज अ पिक्चर ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब जो मेरा टॉपिक भी है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. व्हाट इज फूड वेब. Food web can be defined as a network of food chains which are interconnected at various profit levels so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of a biotic community. It is also known as consumer resource system. And third, it is a graphical description of feeding relationships among species in an ecological community. It is also a mean of showing how energy and materials that is carbon flow through a community of species as a result of these feeding relationships. This is a simple food web picture jo define kar rahi hai. What is a food chain? Food chain kya hota hai? A food chain represents the series of transfer of energy in different levels of community. जैसे एग्जाम्पल्स, जैसे ग्रास होता है, ग्रास हॉपर ईट करता है, ग्रास हॉपर को स्नेक और स्नेक को हॉक एंड हॉक को फंजाई, ये सब फूड चेन के और एग्जाम्पल्स हैं. ये फूड चेन रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है पिक्चर. जैसे हम लोग कंज्यूमर्स को देखे थे कि कितने प्रकार के कंज्यूमर्स होते हैं, ये फर्स्ट उसका है प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स में एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर. और वो जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर्स एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, जो मीट खाते हैं ऐसे एनिमल्स और वो खुद एनिमल होकर दूसरे एनिमल को ईट कर देते हैं, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर में रखा गया है. और थर्ड है टर्टियरी कंज्यूमर्स. कार्निवोरस दैट ईट अदर्स कार्निवोरस आर कॉल्ड टर्टियरी कंज्यूमर्स एग्जांपल. और क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स ऑर्गेनिज्म दैट ईट